अयोध्या शहर की शक्तिनगर कॉलोनी में पिछले 3 दिन से बिजली की समस्या बनी हुई है। यहां विद्युत विभाग ने 3 ट्रांसफार्मर लगाए लेकिन तीनों लोड नहीं उठा सके और उड़ गए, जिससे पूरी रात लाइट नहीं आई। इस समस्या को लेकर सभी कॉलोनी वासियों ने विद्युत उपकरण केंद्र में प्रदर्शन भी किया। कॉलोनी वासियों का आरोप है कि कॉलोनी में विद्युत विभाग के 100 केवीए का ट्रांसफार्मर लगा है, जबकि यहां पर 250 केवीए के ट्रांसफार्मर की जरूरत है। कॉलोनी के निवासी हिंदू वाहिनी के जिला अध्यक्ष राकेश सिंह ने बताया कि 3 दिन से कॉलोनी में लाइट नहीं आ रही है। बीती रात 3:30 बजे तक 100 केवीए का ट्रांसफार्मर लगाया गया था, लेकिन जैसे ही ऑन किया गया तुरंत ट्रांसफार्मर उड़ गया। इसकी शिकायत के लिए विद्युत अधिकारियों को फोन किया गया, लेकिन अधिकारियों ने फोन नहीं उठाया। वहीं अधिवक्ता आलोक सिंह ने बताया कि पिछले 3 दिन में 3 ट्रांसफार्मर उड़ चुके हैं, जिससे लोगों को काफी समस्याएं हो रही है। हमारी विद्युत विभाग के अधिकारियों से मांग है कि जल्द से जल्द समस्या का समाधान करें। यहां 3 दिन में 3 ट्रांसफार्मर दग चुके हैं और JESDO को फोन किया जा रहा है कि यहाँ ओवरलोडिंग है, 250 केवी का लगा दिया जाए, लेकिन 100 केवी का भेज देते हैं और जो 1 घंटा भी नहीं चल रहा है। पुलिस फोर्स को भेज दे रहे हैं, अपना कोई अधिकारी बिजली विभाग का नहीं आ रहा है। ये आए हैं ट्रांसफार्मर लेकर के, ये लोग भी छोड़ के भाग गए हैं, लाइन मैन सब भाग गए हैं। ट्रांसफार्मर पुराना वाला पड़ा है, नया 250 केवी का रखा हुआ, उसको ना लगा करके फिर से 100 केवी का लगाया जा रहा है, फिर नहीं चलेगा। यही चाहते हैं कि 250 केवी का लगाया जाए, 3 दिन में 3 ट्रांसफार्मर दगाए, जिससे प्रशासन का भी तो लॉस हो रहा है, राजस्व का भी लॉस कर रहे हैं और जनता इतनी आक्रोशित है, उनके घरों में बच्चे कितने बीमार पड़ गए हैं, गर्मी है कितनी, गर्मी भीषण गर्मी में क्या किया जाए, मजबूरन लोगों को रोड पे आना पड़ गया है, लाइट नहीं आ रही है और जनता यहाँ की बहुत ज़्यादा परेशान है। 100 केवीए का यहाँ पर लगा हुआ था ट्रांसफार्मर जो लोड नहीं उठा रहा। कल रात हम लोग 3:30 बजे तक लाइट बनवाए हैं, जैसे इसको ऑन किया गया तुरंत ट्रांसफार्मर उड़ गया। अब हम लोगों की डिमांड है कि यहाँ पर कम से कम 250 किलोवाट का ट्रांसफार्मर लगवाया जाए, जिससे 3 दिन से सबको JE और SE साहब फोन ही नहीं उठा रहे। एक बार बात की, उन्होंने नंबर मांगा, उनको नंबर दिया गया, JE से बात हुई, उसके बाद उनके एक्सियन से बात हुई, लेकिन यहाँ पर अभी तक कोई अधिकारी या JE यहाँ उपस्थित नहीं हुआ। खाली पसंद भेज दे रहे हैं और खड़ी कर दिए गाड़ी उधर, भैया चुपचाप खड़े रहो यहीं। यहाँ पर 250 केवीए का ट्रांसफार्मर लगाया जाए ताकि जनता को राहत मिले। 3 दिन से लाइट नहीं है यहाँ पर, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग सब बहुत ज़्यादा परेशान हैं।